हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 13 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है कि व्हाइट टाइगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सफ़ेद बाघों में फेमेलिन की वजह से जो उनकी त्वचा वो सफ़ेद रंग की होती है, और उसकी जो फेमेलिन होता है उसकी वजह से ही त्वचा पे जो लाल और पीले रंग के धब्बे होते हैं वो बेसिकली बनते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बंगाल टाइगर के साथ साइबेरियन टाइगर के बाद व्हाइट टाइगर की दुनिया में बाघ की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है यह है कि रीवा जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे बेसिकली मुख्य बाघों की सूची है वो पाई गई है। तो आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो देखो, हम यहाँ बात करें सफेद टाइगर के बारे में तो व्हाइट टाइगर के तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी, क्योंकि सफेद टाइगर होते हैं उनमें बेसिकली फेमेलिन की कमी होती है, और जो फेमेलिन जो बेसिकली हमारी बॉडी में पाया जाता है तो स्किन में बेसिकली सॉरी एनिमल्स में पाया जाता है, और इसकी वजह से जो एनिमल की स्किन होती है उस पर लाल और पीले रंग के जो तो धब्बे जो तो चकते होते हैं टाइगर के ऊपर वो पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रामसर कन्वेंशन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि रामसर कन्वेंशन है वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्लोजली काम है वो करती है। पहला ऑप्शन है IUCN, दूसरा है वेटलैंड इंटरनेशनल, तीसरा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और चौथा है UNEP। तो आपको बताना है कि इनमें से जो रामसर कन्वेंशन है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्लोजली काम है वो करती है। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली कि रामसर कन्वेंशन है वो 6 ग्लोबल गैर, आप बोल सकते हो कि NGOs हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उनके साथ काम करती है। कौन कौन से 6 हैं वो हम देखते हैं। पहला है इनमें से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा है IUCN, तीसरा है यहाँ पे वेटलैंड इंटरनेशनल और चौथा है यहाँ पे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इन बेसिकली 4 के साथ मिलके आयुष जो हमारा रामसर कन्वेंशन है वो काम करती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ऑब्वियसली UNEP गलत हो जाता है, तो मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे सी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड उस ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोयाबीन के बारे में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज्योग्राफी में हमने काफी बार इसके बारे में पढ़ा भी है। पहला ऑप्शन है कि सोयाबीन है वो एक रबी की फसल है, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि सोयाबीन की फसल है वो 2-3 दिन तक पानी को रोक के रख सकती है, इसी के साथ ही अगर से पानी की कमी हो तो उस कंडीशन में 3 सप्ताह तक फसल है वो जीवित रहती है, खराब नहीं रहती, वैसे खराब नहीं होती। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि सोयाबीन में तेल सामग्री है तो तेल की मात्रा होती है वो सरसों और मूंगफली से ज्यादा होती है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बन्नी के बारे में। क्वेश्चन यह है कि बन्नी घास के मैदान के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंटों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी प्राकृतिक घास का मैदान है जो इसकी दुर्लभ वर्षा और अर्ध सूखे जो मौसम होता है इसके लिए जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह राजस्थान राज्य में है वो। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि स्थानीय रूप से छारी धन के रूप से जाने जाने वाला एक विशाल ताजे पानी की झील है वो बेसिकली इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो देखो, जैसा मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है और इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। जो बन्नी जो घास के मैदान है वो बेसिकली रण ऑफ कच्छ में है, तो हम जानते हैं कि रण ऑफ कच्छ है वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसलिए एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा राजस्थान वाला। इसी के साथ ही भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ी प्राकृतिक घास की भूमि है जो, और इसमें बारिश है वो बहुत कम ही होती है। इसी के साथ ही है महासागर की जो मिट्टी है उससे बना हुआ है, और शुरुआत में इसमें नमक काफी मात्रा में पाया जाता था और अभी इसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसी के साथ ही है जो भूमि है वो जलोढ़ और मिट्टी से बनी हुई रेत की जमीन है वो बनी हुई है। तो यह हमें फैक्ट है वो पता होना चाहिए। इसके साथ इसमें पाकिस्तान में सिंध वाला एरिया है वो भी शामिल है, और बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी बेसिकली इसका फैलाव है वो है। तो मतलब इंडिया में, राजस्थान में नहीं है बेसिकली रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। इसी के साथ ही हम अहम बात करें कि इसके और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 341 है वो बेसिकली पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में इसको विभाजित करता है जो कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि बन्नी जो ग्रासलैंड है उनमें बेसिकली राष्ट्रीय मार्ग NH 431 है। तो देखो, UPSC जो नेशनल हाईवे के बारे में पहले भी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है वो बेसिकली उन्हीं को फोकस करती है जो कि एक तो बॉर्डर वगैरह पे हो काफी इंपॉर्टेंट या सुर्खियों में हो, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चिल्का लेक के बारे में। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि चिल्का लेक है वो दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लेंगून या खारे पानी की झील है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि है दया नदी के मुंह पे स्थित है, मतलब जो माउथ ऑफ दया रिवर है उसके मुंह पे बेसिकली स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बहती है, गिरती है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि है मोंटेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। तो अब आपको बताना है चिल्का लेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो, हम चिल्का लेक की बात करें तो यह लार्जेस्ट कोस्टल लेंगून है बेसिकली, तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और इंडिया में और एशिया में और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में यह सेकेंड लार्जेस्ट लेंगून है, तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पे है, इंडिया में और एशिया में पहले नंबर पे है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि चिल्का लेक है, इसको मोंटेक्स रिकॉर्ड में 1993 में शामिल किया गया था, 1993 में, बट इसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया तो इसको फिर मोंटेक्स रिकॉर्ड से इसका नाम है वो हटा दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की अभी एट प्रेजेंट है वो चिल्का लेक मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि चिल्का लेक ने उसके बाद में अपने आप को रिहेबिलिट कर लिया और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया, तो इसलिए इसको मोंटेक्स रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है वो नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे माइग्रेटरी जो वाटर बर्ड्स हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बर्ड्स की काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। एक जैसा मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो इसमें काफ़ी रेयर और वनरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हैं, वो बेसिकली यहाँ पे आती हैं। तो इसलिए रामसर साइट्स में आपको बताया इंडिया में बेसिकली इंक्लूड है और रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कुछ फैक्ट होना चाहिए। आपको पता है कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो भी बेसिकली उड़ीसा में ही है, तो इस तरीके से कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन ये है कि हिम तेंदुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्नो लेपर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला स्टेटमेंट सॉरी, कि जो हिम तेंदुआ है वो मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के मूल निवासी एक बड़ी बिल्ली या बिकेट की प्रजाति है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह उत्तराखंड का राज्य पशु है। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि गर्मियों में एक अच्छी पीली भूरे रंग की कोट के लिए उनकी कोट एक मोटी और सफ़ेद फर के साथ मौसम के साथ बदलते हैं और सर्दी में छिद्रित होते हैं। चौथा स्टेटमेंट यह है कि उन्हें अपने फर बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए शिकार करने की धमकी या उनसे प्रोटेक्ट हैं वो करते हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आप देख लेना ए बी सी तरीके से, ये देखो करेक्ट नहीं है, आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन आप देख लेना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है या फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से ऑप्शन है। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली सुरक्षित हिमालय परियोजना के बारे में। सुरक्षित हिमालय परियोजना के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको। पहला स्टेटमेंट यह है कि है UNEP के सहयोग से केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि सुरक्षित हिमालय परियोजना या फिर सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है इसमें हिमालय के सभी स्टेट को शामिल किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि इसका उद्देश्य आजीविका संरक्षण और टिकाऊ उपयोग और उच्च श्रेणी हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को सुरक्षित रखना है। तो जैसा मैं आपको बता दूं एक फैक्ट यहाँ पे कि देखो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो सारे हिमालय रीजन में नहीं फैला हुआ है, इसमें बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। तो अब इसके आधार पे आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इनमें और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।